वेलकम बैक टू यूनिक इंस्पिरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नए इंग्लिश सेंटेंसेस और करते हैं अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस कौन सा है। आज का पहला सेंटेंस है, मेरे कहने का मतलब है, आई मीन टू से। आज आप जल्दी उठ गए, यू गॉट अप अर्ली टुडे। गेट अप यानी उठना होता है और आप ये काम हो चुका है, पास्ट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है गॉट अप, यू गॉट अप अर्ली टुडे। आज आपका दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे टुडे। हमारी ट्रेन अचानक रुक गई। आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन आपकी अचानक से बीच में रुक जाती है तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे, आवर ट्रेन इज स्टॉप्ड सडनली। आज भाग दौड़ वाला दिन था। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला दिन होता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे, इट वॉज हैक्टिक डे टुडे। टीवी से दूर बैठो। अक्सर पेरेंट्स छोटे बच्चों से कहते हैं, जिनकी की आदत होती है टीवी के बहुत पास जाकर बैठने की, टीवी को बहुत पास से देखने की, तो पेरेंट्स अक्सर टोकते हैं कि टीवी के पास मत बैठो, टीवी से दूर बैठो, तो इंग्लिश में कहेंगे, सिट अवे फ्रॉम टीवी। अब हमें चलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। कितनी गर्मी है, जिस दिन बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आ रहा होता है, उस दिन हम कहते हैं, हे भगवान, आज तो बहुत गर्मी है, कितनी गर्मी है, तो कहेंगे, हाउ हॉट इट इज। नेक्स्ट वन इज, काफ़ी समय हो गया है, इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी तो काफ़ी समय है, देयर इज स्टिल एनफ टाइम। किसी की चुगली मत करो, डोंट बैकबाइट एनीवन। हम समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे। कहीं पे आपको जाना है और आप कहते हैं कि अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग वहाँ टाइम से पहुँच जाएंगे, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे, वी विल बी देयर ऑन टाइम। यहाँ मत थूको, डोंट स्पिट हेयर। काम पर लग जाओ। आपने देखा कि जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, आपस में बातचीत करके या फिर और कुछ करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलते हैं कि भाई टाइम पास मत करो, काम पर लग जाओ, गेट टू दी वर्क। इसे थूको। सपोज कोई छोटा बच्चा है और उसने टॉफ़ी की जगह पर अक्सर कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनको मुंह में रख लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई इसको निकालो, मुंह से बाहर निकालो जल्दी से, तो इसको थूको, इसको बाहर निकालो, तो इसे थूको को इंग्लिश में कहते हैं स्पिट इट आउट। मुझे देर करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू बी डिलेड। मैं अपनी सहमति देता हूँ, आई गिव माई कंसेंट। नेक्स्ट वन इज, तुम हमेशा मुझे देर करवाते हो। जब दो लोग स्कूल जा रहे होते हैं, मतलब सपोज भाई बहन हैं साथ के और वो साथ में स्कूल जाते हैं, तो
तो उनमें से एक तो टाइम से तैयार हो जाता है और दूसरा हमेशा देर से तैयार होता है। तो जो टाइम से तैयार हुआ है उसको दूसरे की वजह से स्कूल में डांट खानी पड़ती है, उसको भी दूसरे की वजह से लेट होना पड़ता है। तो वो कहेगा, चाहे भाई अपने बहन से बोल रही है या बहन भाई से बोल रहा है, कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा देर होती है, तुम हमेशा मुझे देर करवाते हो। तो इंग्लिश में कहेंगे, यू ऑलवेज मेक मी लेट, यू ऑलवेज मेक मी लेट। बाहर बहुत सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। क्या इसकी गारंटी है, क्या इसकी गारंटी है, डज इट हैज गारंटी, डज इट हैज गारंटी। चलती बस पर मत चढ़ो, डोंट गेट ऑन अ रनिंग बस, डोंट गेट ऑन अ रनिंग बस। चढ़ने को इंग्लिश में गेट ऑन कहते हैं, और चलती हुई बस यानी कि रनिंग बस, चलती बस पर मत चढ़ो, डोंट गेट ऑन अ रनिंग बस। ज़्यादा शोर मत मचाओ, डोंट मेक टू मच नॉइस, डोंट मेक टू मच नॉइस। नेक्स्ट वन इज, मैं फीका दूध पीता हूँ, यानी मुझे उसमें चीनी वगैरह या कुछ भी मीठा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फीका दूध ही पीता हूँ। तो उसको कहेंगे, आई टेक अनस्वीटेंड मिल्क, फीके की इंग्लिश होती है अनस्वीटेंड, मैं फीका दूध पीता हूँ, आई टेक अनस्वीटेंड मिल्क। क्या तुम्हारे पास रसीद है, डू यू हैव रिसीट, डू यू हैव रिसीट। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो रिसीट है उसको हम रिसीप्ट नहीं बोलेंगे, पी जो है यहाँ पर वो साइलेंट है। आप लिख कर देखिए रीसीट, दोबारा से बैठना, रीसीट। तो जो रीसीट की प्रोनाउंसिएशन होगी वही सेम यहाँ पर है, इसलिए इसको कहा जाएगा डू यू हैव रिसीट। हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। इसका वजन 50 किलो है, इट्स वेट इज 50 kg, इट्स वेट इज 50 kg। मुझे वहाँ जाने में 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 10 मिनट टू गो देयर, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गो देयर। इसे समय पर कर देना, डू इट ऑन टाइम, डू इट ऑन टाइम। मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूँगा, जब फ्रेंड्स लोगों में बहुत ज़ोरदार वाला झगड़ा हो जाता है तो वो आपस में जब लड़ लेते हैं तब गुस्से में अक्सर एक दूसरे से कहते हैं, ठीक है मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट यू, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट यू। मैं भी चिंतित हूँ, आई एम ऑल्सो वरेड, आई एम ऑल्सो वरेड। मीठे से तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, स्वीट्स मेक योर टीथ डिके, स्वीट्स मेक योर टीथ डिके। मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बताएं, सजेस्ट मी अ गुड डॉक्टर, सजेस्ट मी अ गुड डॉक्टर। चादर झाड़ दो, फ्लिक द बेड शीट, झाड़ने को इंग्लिश में फ्लिक बोलते हैं, चादर झाड़ दो तो इंग्लिश में कहेंगे फ्लिक द बेड शीट, फ्लिक द बेड शीट। अपने परिवार को यहीं बुला लो, कॉल योर फैमिली हेयर, कॉल योर फैमिली हेयर। मैं एक बार वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर वंस, आई हैड गॉन देयर वंस। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में शेयर ज़रूर करिए, और आपके कोई फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फिर किसी जानकार को ऐसे वीडियोस की ज़रूरत हो तो उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए टेक केयर।